हेलो दोस्तों, टेकजैक में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं जैकी। दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू और टेस्ट जो है मीवी का डुअल यूएसबी पोर्ट स्मार्ट चार्जर और मीवी का नायलॉन यूएसबी केबल जो कि 6 फीट लॉन्ग है, क्योंकि हमें कभी कभी दूसरा चार्जर की जरूरत पड़ते हैं और हम जब ओरिजिनल किसी ब्रांड का परचेस करते हैं और हमें डुप्लीकेट मिलते हैं या फिर हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। इसमें स्मार्ट डिटेक्ट टेक्नोलॉजी है जिसे आप किसी भी ब्रांड के फोन से कनेक्ट करते हैं और उसके बैटरी के हिसाब से वो फायर आउटपुट करते हैं। तो इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल है, आप इसे किसी भी स्मार्टफोन पर यूज कर सकते हैं और ये दो पोर्ट से आप एक ही साथ में दो फोन को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों बॉक्स में प्राइस आपको 1499 लिखा होगा, लेकिन आपको अमेजन पे डुअल यूएसबी पोर्ट का 599 में मिल जाएगा और सिंगल यूएसबी पोर्ट का 499 रुपीस में मिल जाएंगे। तो मीवी ने बॉक्स कुछ सिंपल सा रखा है, यह हमें बॉक्स ओपन करने से ही चार्जर मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो बिल्कुल रबर कोटेड है और जो व्हाइट पोर्शन है ये प्लास्टिक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रेटिंग, इनपुट है 100 to 240 वोल्ट एंड आउटपुट है 5 वोल्ट, मैक्सिमम 3.1 एम्प्स। लेकिन ज़्यादातर स्मार्ट चार्जर में आपको 2 एम्प्स का ही दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 3.1 एम्प्स का मिल जाते हैं दो पोर्ट मिला के। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पोर्ट साइड में बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश है और मीवी का ब्रांडिंग काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। और मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, करंट स्टेबिलाइजर, टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह फीचर्स ऑलरेडी है, लेकिन ये कितना परसेंट सच है ये हमें यूज़ करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा, इसमें स्मार्ट चार्ज ऑटो डिटेक्ट टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी भी फ़ोन से कनेक्ट करने से उसके बैटरी के हिसाब से पावर आउटपुट करते हैं। और ये चार्जर आपको दोनों टाइप में मिल जाएंगे, सिंगल पोर्ट और एक डबल पोर्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया। और इसमें आपको 3 कलर मिल जाते हैं, येलो, ब्लू और ब्लैक। और इसके लिए आप अलग केबल चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन यूज़ कर रहे हों तो आप लाइटनिंग केबल चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप USB-C टाइप केबल परचेस कर सकते हैं, या फिर माइक्रो USB। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है और दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। और अभी हम देखेंगे USB केबल, और इसमें आपको वारंटी कार्ड मिलते हैं और चार्जर में भी आपको 1 ईयर के वारंटी मिलते हैं। तो केबल बिल्कुल ही नायलॉन कवर्ड है, मतलब आप इसे काफी हद तक बेंड कर सकते हैं। और ये जो USB और माइक्रो USB जैक है ये बिल्कुल ही एल्युमिनियम मेटल फिनिश्ड है। और यहाँ पे मीवी का ब्रांडिंग जो काफी अच्छा लुक देते हैं। और ये जो केबल है ये 6 फीट लॉन्ग है। और ये जो केबल है ये भी आपको अलग अलग कलर में मिल जाएंगे और अलग अलग टाइप में मिल जाएंगे, जैसे कि USB-C टाइप, लाइटनिंग केबल और माइक्रो USB। तो अभी हम टेस्ट करने वाले हैं और एक पोर्ट में हम डालेंगे फास्ट चार्ज सपोर्टेड डिवाइस जो है सैमसंग गैलेक्सी S6 और एक में डालेंगे नॉन फास्ट चार्ज फोन जो है Huawei का Honor 4C। और एक साथ हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कितना परसेंट चार्ज कम्प्लीट होते हैं कितनी देर में। वैसे तो 0% से लेकर 50% तक थोड़ा स्पीडली चार्ज होते हैं, लेकिन 50% से 100% थोड़ा स्लोली होते हैं। तो दोनों फ़ोन 5 मिनट तक चार्ज हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं जो सैमसंग गैलेक्सी S6 है वो करीब 58% तक चार्ज है और जो Honor 4C है वो 46% तक। लेकिन यहाँ पे एक बात है, 50% या फिर 40% के ऊपर चार्ज थोड़ा स्लोली होते हैं। आप अगर इसे 0% से शुरू करते थे तो और भी स्पीडली चार्ज होता था। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग लिंक मिल जाएगा चार्जर के लिए और USB केबल के लिए, वो भी अलग अलग पोर्ट में, आप वहाँ से अमेजन से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो जरूर से लाइक कीजिए, और अगर इससे जुड़े हुए कोई सवाल है तो जरूर से कमेंट कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।